लव्य व्यवस्था अध्याय 26, लव्य व्यवस्था अध्याय 26, धर्म तथा अधर्म के फल। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न खोदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को माने पीतल की बना दूंगा और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिससे तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो
तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलता रहूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे और मैं तुमको जाति जाति के बीच तीतर बीतर करूंगा और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सुना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, तब ही वह देश विश्राम पाएगा अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और जितने दिन वह सुना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा वह उसको तब तक मिलेगा और तुम में से जो बचा रहेगा और अपने शत्रुओं के देश में होगा उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर पड़ेंगे और जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उनको मैं स्मरण करूंगा और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा और वह देश उनसे रहित होकर सुना पड़ा रहेगा और उनके बिना सुना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे। इसी कारण से
कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकालकर लाया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरू। मैं यहोवा हूं। जो जो विधि और नियम और व्यवस्था यहोवा ने अपनी ओर से इसराइलियों के लिए सिनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही है।